आधुनिकता हमारे लिए जितनी सुखद है उतनी कष्टदायी भी है। नमस्कार, मैं प्रथम दुसिया। हाल ही में खबर सामने आई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संदीप भांगड़ा, जो कि एक भारतीय है, उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर टेलीफोन प्रोवाइडर और इंश्योरेंस कंपनी से ठगी के मामले में दोषी करार हुए हैं। आपको बता दें कि संदीप ने अपने साथियों के साथ लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की है। जानकारी के लिए बता दें कि संदीप अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली नामों का उपयोग करता था। उसने विशाल रावत, सागर शर्मा और विहान सेठ जैसे नामों का उपयोग किया। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में यह जानकारी भी सामने आई कि आरोपी संदीप ने 2013 के जून महीने में से लेकर 2019 के जून तक इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक संदीप ने यूएसए मेल स्कैम्स और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल फोन प्रोवाइडर्स और इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। बताया जा रहा है कि संदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी या फिर फर्जी आईडी का इस्तेमाल करता था। इन सभी आइडेंटिटी का उपयोग करके दोषी संदीप खोए हुए, डैमेज हुए और चोरी किए हुए डिवाइसेस रिप्लेसमेंट यानी बदली के लिए फर्जी क्लेम फाइल करता था। इस पूरे सिस्टम को संदीप और उसके दोस्तों ने ही क्रिएट करा था। इसमें वह सब मेल बॉक्स और स्टोरेज यूनिट्स का इस्तेमाल करा करते थे। नेटवर्क्स पर रिप्लेसमेंट वाले डिवाइसेस बेचने से पहले रखे जाते थे। आरोपी संदीप ने 90 लाख डॉलर भारतीय रुपए में बदले तो लगभग 750 करोड़ रुपए जितनी रकम का फ्रॉड करा है। मेलबॉक्स के मामले में संदीप को लगभग 20 साल की जेल हो सकती है और उसके अलावा उस पर लगभग 2.5 लाख डॉलर का जुर्माना अमेरिकी कोर्ट लगा सकती है। तो वहीं संदीप भांगड़ा को सजा 10 अक्टूबर 2024 को सुनाई जाएगी। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी संगीन कदम उठाया है कि इस सब फ्रॉड स्कैम पर रोक लगाया जा सके। वहीं इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मैं आपके साथ प्रथम रुसिया, कैमरा पर्सन स्वाति रावत के साथ।